हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 11 का क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। क्वेश्चन है ओ बी द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2 एंड -3 और ओ है ओरिजिन। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो पी से पास कर रहा है और ओपी पे परपेंडिकुलर है। तो आसान क्वेश्चन है, छोटा सा मैं समझाता हूं आपको। एक प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? पी पॉइंट से। तो यानी इसका मतलब ये हुआ प्लेन पे एक पॉइंट है पी। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 एंड -3। ये हमारा पी पॉइंट हो गया और ओ है ओरिजिन। वो ओरिजिन है, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0, 0 और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड गिवन नॉर्मल। जब किसी प्लेन पे कोई पॉइंट गिवन होता है और उसका नॉर्मल गिवन होता है तो उसकी इक्वेशन होती है ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। अब यहां पे ये ए बी सी क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा a है वो है 1 -0, क्योंकि ए बी सी का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और एक्स वन वाई वन जेड वन, ये एक्स वन वाई वन जेड वन। तो आसान क्वेश्चन था, पुट कर देते हैं वैल्यू बस। 1 × x-1 + 2 y-2 - 3 z-3, तो प्लस हो गया ये। तो ये आंसर आ गया x-1 + 2 y-3 z 9 और 4 13 14। ये आंसर आ गया। अगर पेपर में वेक्टर इक्वेशन पूछी जाती है तो हम वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। आर डॉट आई प्लस टू जे माइनस थ्री के इक्वल टू 40। ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चैप्टर 11 की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, वहां से आप इसके और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।